नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। ग्राम प्रधानों ने अब शिक्षकों के क्रियाकलापों पर पैनी नजर रखने शुरू कर दी है। शिक्षक कैसे स्कूल में आ रहे हैं, कब स्कूल में आ रहे हैं, बच्चों को कितना पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, तो उनकी शिकायत औपचारिक रूप से दर्ज होनी शुरू हो गई है। मामला टिहरी गढ़वाल जनपद के जौनपुर ब्लॉक का है। यहां पर एक बैठक हुई 21 जुलाई को क्षेत्र पंचायत के प्रतिनिधियों की, और इस बैठक में कई प्रधान मौजूद थे। पुजार गांव ग्राम सभा के प्रधान अरविंद सकलानी और कई साथी प्रधानों ने एक मुद्दा बहुत गंभीरता के साथ यहां पर उठाया। उन्होंने कहा कि यह वो क्षेत्र है जो देहरादून से कई किलोमीटर दूर है, मतलब काफी दूर है, जहां पहुंचने में 1-1.5-2 घंटे का समय भी लग जाता है देहरादून से, अगर कोई अपनी गाड़ी से भी आना जाना करता है। और वहां पर जो शिक्षक तैनात हैं, उनके ग्राम सभाओं में जो शिक्षक स्कूलों में तैनात हैं, सरकारी स्कूलों में, वो लोग देहरादून से आना जाना कर रहे हैं, इसलिए कई बार वो देर से आते हैं। देर से आने के कारण पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। ये मुद्दा क्षेत्र पंचायत की बैठक में उठाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ है, उन्होंने बकायदा एक चिट्ठी लिखी है तमाम शिक्षकों को निर्देशित करते हुए, और उसमें यह कहा है कि जो नियम है, जहां पर आपकी तैनाती है उसकी 8 किलोमीटर की परिधि में आपको अपना निवास बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शायद आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यह बात चिट्ठी में नहीं लिखी गई है, लेकिन ये स्पष्ट निर्देश शिक्षकों को दिए गए हैं। अब यहां पर अगर जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, वो ये जांच करा लेते कि कौन कौन से शिक्षक ऐसे हैं जो 8 किलोमीटर की परिधि में नहीं रह रहे हैं, या किसी दिन छापेमारी कर देते और शिक्षकों की उपस्थिति पता कर लेते कि कौन सा शिक्षक किस समय स्कूल में पहुंचा, तो शायद तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाती, पठन पाठन की जो व्यवस्था है वो शायद दुरुस्त हो पाती। चिट्ठी पत्री चलाने में थोड़ा समय लग गया है, लेकिन ये एक मैसेज जरूर जनरेट हो गया है, ना सिर्फ जौनपुर ब्लॉक के लिए, उस वहां के स्कूलों में तैनात शिक्षकों के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश भर के जो ग्राम प्रधान हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर उनके गांव में पठन पाठन प्रभावित होता है तो मुद्दे को वो कैसे उठा सकते हैं, और उनके ग्राम सभा में बच्चों की पढ़ाई अगर प्रभावित हो रही है, यानी उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है, इस बात को समझते हुए जब मुद्दा उठाया जाता है तो उसकी बात बहुत दूर तक जाती है। शिक्षक अपनी जिम्मेदारी कितनी गंभीरता से समझेंगे इस चिट्ठी के बाद, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और जो निदेशालय है, महानिदेशालय है, और जो शासन है, वो इस चिट्ठी को आधार बनाकर कितनी गंभीरता के साथ इसी फैसले को पूरे प्रदेश में लागू करा पाता है, ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके की शिकायत तमाम जगहों से आ रही है कि शिक्षक बहुत दूर रहते हैं, आने जाने में उनको काफी समय लगता है, और ये कारण है कि वहां पर स्कूलों में पठन पाठन कई बार प्रभावित हो भी जाता है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।